डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत का पहला सामान्य ड्रोन परीक्षण केंद्र। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये केंद्र रक्षा परीक्षण अवसंरचना आयोग यानी DTIS के तहत श्रीपेरुम्बदूर के तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम यानी SIPCOT औद्योगिक पार्क में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र तमिलनाडु को एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि ड्रोन का परीक्षण वर्तमान में विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर घटकवार तरीके से किया जाता है। ये प्रक्रिया संगठनों की दक्षता को कम करती है और लागत भी बढ़ाती है। वर्तमान में ऐसी एकीकृत सुविधा केवल DRDO के पास अपने उपयोग के लिए चित्रदुर्ग कर्नाटक में उपलब्ध है। चलिए जानते हैं ड्रोन के बारे में कि ड्रोन क्या है। तो ड्रोन एक प्रकार का फ्लाइंग रोबोट होता है जिसे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी खोज मनुष्यों ने अपने दैनिक कार्यों के संपादन के लिए की थी, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर भी किया जा रहा है। ड्रोन को मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकते।